अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल। सबसे पहले आपसे गुजारिश, अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। अभी 4:10 हो रहे हैं। मैंने सुना कि नमाज फजर की नमाज से तकरीब मतलब थोड़ी देर पहले अगर आप नमाज दो रकात नमाज अदा करते हो तो अल्लाह ताला आप पर बहुत मेहरबान। तो वैसे भी अल्लाह हम पर बहुत मेहरबान है अल्हम्दुलिल्लाह से। शुक्रिया अदा करने के लिए मैं थोड़ी थोड़ी कुछ ना कुछ चीज़ें करनी चाहिए। मैं जल्दी उठ गई हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक नमाज नहीं पढ़ी तो वेरी बैड, नमाज पढ़नी चाहिए। मैंने अदा कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो है वेट कर रही हूँ कि फजर की अजान हो जाए। अभी अजान हो रही है कि तो थोड़ी नम दिख रही होंगी, वो इसलिए कि मैं अभी थोड़ा कुछ बयान सुन रही थी तो जब सुनने पड़ रहा हूँ दिल बहुत। अल्हम्दुलिल्लाह फजर की नमाज भी मैंने अदा कर ली है। 4:45 से पहले मैं नहाऊंगी। जब तक मैं नहाती नहीं हूँ मुझे नींद नहीं आती। कुरान शरीफ नहीं पढ़ा क्योंकि आज मैं थोड़ा सा हेडेक हो रहा है, तो मैं सोचा मैं जो है दोपहर के टाइम या फिर मैं शाम में किसी टाइम पढ़ लूंगी। पढ़ी हूँ, उठूंगी फिर आप लोगों से बात करूंगी। भूख लग रही थी, सोने से पहले मैं नहा लिया तो मैंने कहा मैं ब्रेड जो है गर्म करके ये खा लेती हूँ। तरफ से ये टोस्ट हो गया, दूसरी तरफ से टोस्ट हो रहा है। अंदर जो मैं रात को कल लाई थी हैप्पी काओ ये मैं डाली हूँ तो वो मैंने इसके अंदर डाला। मैं थोड़ा सा गर्म करके बस फिर खा लूंगी। मजेदार सा नाश्ता मेरा तैयार है, उसको खा के मैं सो जाऊंगा। उठ चुकी हूँ, सुबह सुबह उठते ही बैड न्यूज मिली है। मम्मी को पता नहीं था कि जो ना जो छोटी शुगर है ना मतलब मिठू की जो वो छोटी साथ मिठी है तो वो भी बहुत डरती है, इससे बहुत डरती है। तो मैं इसको जब ये बाहर होती है ना तो मैं इसको अंदर इसको अंदर ही रखती हूँ जब वो बाहर होती है, और जब वो अंदर करती हूँ फिर इसको बाहर निकालती हूँ। तो अम्मी आज सुबह उठी तो अम्मी ने जैसे निकली तो ये भी निकल गई साथ में, वो उड़ गई डर के। इतना टेंशन हो रही है उसकी, वो बहुत मासूम है, मतलब वो इतनी मासूम है ना मैं आपको बता दी, तो वो इतना डरती है। पता नहीं उसने खाना भी खाया होगा अब तक नहीं, अभी 4-5 बज रहे हैं। वो पानी पीती है, उसको मतलब बहुत भूख लगती है, वो बहुत मासूम है। ऐसा मोहतम मेरा किसी से बात करने का दिल नहीं कर रहा, छोटी सी रो रही लेकिन मैं भी घर की सफाई करने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। और यहाँ पे मैं करने लगी थी घर की सफाई। मुझे ना समझ नहीं आता कि मैं कौन से कपड़े पहनूं। चल के आप लोगों को मेरी एक सैड स्टोरी दिखाऊंगी। जिसमें मैं फ्राई कर गई थी, मैंने ड्रेसेस ट्राई किए बट मुझे कोई नहीं आया। आप लोग मैं सजेस्ट करो कि मैं क्या पहनूं, क्योंकि कल जैनब की बर्थडे है और जैनब ने पिंक थीम रखी बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मतलब आप लोगों ने आज तक मेरा कोई पिंक कलर का ड्रेस देखा है जो मैं पहन के वहाँ पे जा सकूं? बताया क्या है, मुझे न्यू नहीं खरीदना क्योंकि न्यू खरीदूंगी फिर मुझे गिफ्ट लेना है तो फिर ज्यादा पैसे वेस्ट हो जाएंगे। क्या करूं मुझे बताया मैं कहां जाऊं? आज मैं सब्जी लेकर आई थी रात को, आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन घर का काम इतना होता ना गाइस के हिम्मत नहीं बचती कि बंदा खाना भी बना सके। मैं ट्राई करती हूँ कि मैं किसी तरीके से घर का खाना बना लिया करूं। मैं सोचा कि मैं रात के टाइम घर का खाना बना लूंगी, जब मैं सुबह उठूंगा तो जब मेरे लिए कोई ना कोई चीज बड़ी हुई हो। मैं सोच रही थी मैं कोई ऐसा लुक क्रिएट करूँ जैसे डॉल टाइप नहीं होता, वो अलग बात है कि मैं डॉल दिखती कहीं से भी नहीं, मैं तो डोला हूँ। और यहाँ पे मेरी और शाहरुख की यहाँ पे होने वाली थी लड़ाई, मैंने उसको बोला यहाँ से उठ जाओ मैं सफाई करने, और ये यहाँ पर हमारी लड़ाई हुई शुरू। बस अब देखेगा यहाँ पे मैं रेसलर बनने वाली, ऐसे मैं कोई अंडरटेकर से कम नहीं। ये मैंने दिया धक्का। खैर अच्छी खासी लड़ाई करने के बाद आई रियलाइज कि मैंने शाहरुख की चाबी नीचे फेंक दी। अभी तो गई सफाई थी, अभी तो अभी स्टार्ट किया मैंने घर की सफाई। मैं डेली जितना भी कर लूँ ना मुझे लगता है कोई घर में कोई जिन है, कोई चीज है जो घर को इतना गंदा कर, जितनी मैं सफाई करती हूँ ना इतनी तो कोई काम वाली भी नहीं करती। देखें कमरा कितना साफ लग रहा है। मैं सोच रही हूँ फर्नीचर चेंज करूँ, मैं ये भी सोच रही हूँ फर्नीचर तब चेंज करूंगी जब मैं अपना घर लूंगी। टूटा फूटा फर्नीचर अभी तक चल रहा है गाइस, लेकिन आपके कहने पे मैंने जो है न्यू देखची ली थी और उसके अंदर जैसे मेरी जान बचती है। मैं कहती हूँ कोई कुछ ना कहे आराम आराम से उसको उठा उठा के रख। खुद घर की चीजें लेते हो ना फिर आपको एहसास होता है, जब मायके से आती है ना तब आपको एहसास नहीं होता क्योंकि वो आपकी मेहनत से नहीं ना बना होता। इसके अलावा जी मैं सुगरा के लिए सच में बहुत ज्यादा सैड हूँ क्योंकि वो बहुत मासूम, को दुनिया का नहीं पता। मैं कह रही थी कि बिल्ली और वो खेल रहे थे और अचानक पता नहीं वो कहाँ चली, वो उड़ गई है, पता नहीं क्यों उड़ के चली गई, पता नहीं उसको क्या, उसको आजादी चाहिए थी इसलिए वो चली गई। खैर अल्लाह करे वो खुश होगी। आप लोगों को देखने में इतना आसान लगता होगा कि 2 मिनट में नहीं थी भाई, जान निकल जाती है। चुकी हूँ दोपहर का खाना खा रहा, रात को मैं गोभी लाई थी लेकिन मैं शाम में बनाऊँ क्योंकि मैंने घर की सफाई किया ना गाइस, इतनी गर्मी है ना कि अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊंगी अगर मैंने थोड़ा सा कोई और काम किया तो। क्योंकि किचन में जाते ही एक और ही दुनिया में मतलब जैसे लगता है हम कयामत में आ गए, कयामत की आग जो है शोले भड़क रहे हैं इधर उधर से। तुम ना कोई काम कर लिया करो ठीक है। जितनी खुली तो मैं खोल के खोल के दिखाऊंगी, तार लगा हुआ ना गाइस आप लोग देखना मैं खोल लूंगी। चीली ली इसको अंदर डाला और ये देखो खोल बंद और ये खुल गया, देखो खोल लिया। के लिए मजेदार सा चीज ब्रेड तैयार हो चुका है। मम्मी को दे इसका बस एक बाइट लेके दो प्लीज, सिर्फ एक बाइट, एक बाइट।
तुम तो हो ही ऐसी ज्यादा। इतनी गंदी बिल्ली पाली हूँ मैं, इतनी गंदी बिल्ली पाली हूँ क्या बात। कल ही इसका वॉश हुआ, आज इसने फिर से गंदा कर दिया, मैं इसको जाके धुलवा कर आती हूँ। देखे इसका पाँव मैंने साफ करे, अभी ड्राई होगा तब सही रहेगा। ये मुझसे नाराज है कि मैं इसको क्यों इसका पाँव धुलवाया। तो गंदी लग रही थी ना तुम, चुड़ैल लग रही थी, एक नंबर की चुड़ैल। मैं जा रही हूँ अम्मी को छोड़ने के लिए बाबर के घर, और मैं जाऊंगी सैनब की तरह। मम्मी को यहाँ पे छोड़ के जा रही हूँ। अम्मी आप यहीं पे रुकोगे रात में? चलो ठीक है फिर, ओके अल्लाह हाफिज। सही है। फादिया को थोड़ा सा मेकअप किया, आंखों का इसने खुद किया, मैंने इसका जो है चीक्स और जो लिप्स लगाए, लिप्स की मैंने मेकअप किया। फादिया दिखाओ, वाह कितनी कोजी लग रही है मेरी बच्ची, और सॉरी प्यारी लग रही है मेरी बच्ची, शहजादी लग रही है, एक नंबर। आंखें बंद करो, वाह मस्कारा भी लगाई हुई है, इतनी प्यारी लिपस्टिक भी लगाई हुई है। मीर से इधर देखो, हेलो बोलो, हेलो हेलो बोलो, हेलो। लोग आए हैं कैलिफोर्निया पिज्जा, शाहरुख के अपने लिए पिज्जा मंगाया। मेरा दिल नहीं करता क्योंकि मैंने अपना खाना घर में ही खा लिया था, तो इसका दिल करता पिज्जा खाने के लिए, पिज्जा खा रहा है। आई एम मीटिंग नथिंग क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं खाना। यहाँ से ले रहे हैं पापड़ी, मुझे इतने पसंद है। भैया मसाला तो डाल के दे, निकालो और फिर हम इसके साथ मसाला डालेंगे। टाइम पे उड़ाना नहीं। हाँ, और सुबह जैनब की बर्थडे पर मैं फैरिया घर आई थी, मैं सोचा मैं फैरिया कोई ड्रेस ट्राई करती हूँ, अगर मुझे वो आ गया सुबह जैनब की बर्थडे पर मैं वो वेयर करूँगी, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे कोई भी ड्रेस फिट नहीं है, मैं कोई नया ड्रेस खरीदना नहीं चाहती। आई एम वेरी सैड, और सब ने पिंक पहना है। पास आने के बाद आई एम वेरी सैड, अपनी सुर्खी भी उतार दी। मुझे दरवाज़ा खोल दो। रानी क्या कर रही हो? रानी ओ देखो वॉशरूम में चलेगी रानी। आपको पता नहीं वॉशरूम में नहीं जाते, जूते पहने बगैर वॉशरूम में नहीं जाते। मुझे लग रही है बहुत ज्यादा इंतहा की, मैं सिर्फ दो ब्रेड पे जिंदा हूँ। मिल्क पड़ा हुआ था, अम्मी ने वो जाके डीप फ्रीजर में रखे, और ये बिल्कुल जो है बर्फ बना हुआ है। खाने के वाली हूँ सिरेला। जब मैंने उसको सिरेला खिलाया मनो को, तो आप सबके ज्यादा मैसेज आ रहे थे कि उसको नहीं खिलाओ क्योंकि वो छोटी है, तो उसको हम नहीं खिला सकते। एक ये तो मैं खाऊंगा। ये मीर खाता है, मीर वो खराब हो जाएगा, तो मुझे इतना काफी है और इसको भी मैं खा लूंगी। ट्राई कर लेना, अब तक जिंदगी में मैंने कभी ट्राई नहीं किया, सब करो। एक बड़ी मजेदार सी रेसिपी देखिए, मेरा दिल कर रहा है कि उसको बनाऊं। चलते हैं किचन में बनाते हैं। चाहिए हमें हैप्पी काऊ का एक जो है पीस चाहिए हमें। एक हम हरी मिर्च लेंगे, इसको छोटा कट करके इसके अंदर डाल देंगे। मेरे पास ब्रॉडवे का कपड़ा पड़ा हुआ था, तो मैं वो डाल रही हूँ। इसके ऊपर हम थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे, बिल्कुल एंड में हम इसके ऊपर थोड़ा सा गर्म दूध डाल देंगे। इसको कर लेंगे हम अच्छे से मिक्स। ये बिल्कुल जो है उसकी तरह बन गया, एक पेस्ट बन चुका है। हम बिल्कुल हल्का सा घी डालेंगे इसके पैन की हालत देखें क्या होगी। मैंने ब्रेड पे कुछ इस तरीके से लगा लिया है, अब इसको मैं ऐसे करके रख दूंगी। लगा देंगे ढक्कन फॉर 5 मिनट्स, उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे और उसको हल्के फ्लेम पे रखना है। ये ऐसा वर्क नहीं करेगा, तो मैं इसके ऊपर एक और ब्रेड डाल रही हूं। और अब इसको मैं 5 मिनट के लिए और इसको रख दूंगी। मजेदार से टोस्ट तैयार होकर मैं खा के आपको बताती हूँ कैसा बना है। इस तरीके से अंदर से बनना, मस्त है। माओ भी देख रहा है, इट्स टू यम्मी। आओ किधर से ना सा तक वीडियो में देना।